हेलो फ्रेंड्स, कैना किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्दियां आ चुकी हैं, आपके घर में सबके घर में हरा लहसुन खूब आ रहा होगा, तो मैं ये हरे लहसुन की अचार बना रही हूँ। ये कम से कम 15 से 20 दिन आराम से खाया जा सकता है। मैंने लहसुन को अच्छे से धुल लिया था और इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने कट कर लिए पत्तियों के सारे। इसका मोटा वाला हिस्सा है वो भी कट कर लेना है। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और झटपट से तैयार भी हो जाता है। ये मैंने लहसुन लिया और ये मैंने ले लिया हरी मिर्च ये, और अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना तीखा डाल सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ घर का बना हुआ आमचूर, जिसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, और आप एक बार अगर देखना चाहें तो उसको देखें। मैं कोई भी चीज में यूज करती हूँ तो अपने घर का ही आमचूर यूज करती हूँ। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ नमक, और ये मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसे मैंने गरम करके ठंडा कर लिया और ये आराम से आप बाहर रख के 15 से 20 दिन खा सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो आप महीना डेढ़ महीना भी खा सकते हैं। अब मैं सब मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको सब मिला दिया है। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। तीखा आपको जितना पसंद है उतना आप मिर्चा डाल सकते हो, और खट्टा भी जितना पसंद है अमचूर कम ज्यादा कर सकते हो, और बहुत ही खाने के स्वाद को चार चांद लगा देगा। और अगर आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम और एफबी पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगली डिश के साथ। थैंक यू सो मच।